watching the channel Chemical Guru. Students, इस चैनल पर CSIR या नेट की मैं प्रिपरेशन कराता हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की, बहुत से हमारे फ्रेंड्स की ये कंप्लेन रहती है कि नेट क्वालिफाइड नहीं हो रहा है और कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, कुछ नंबर से रह जाते हैं। तो मैं कुछ चीजों को यहाँ पर क्लियर करूंगा। देखो, नेट क्लियर करने के लिए अगर किसी एक टॉपिक पर आपकी कमांड है तो नहीं होगा, आपको सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो। और ये अभी जो 2020 का एग्जाम होने वाला है, जून 2020, और जिसका 16 मार्च से रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो गए हैं, तो और ये लास्ट इसका 15 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरे वर्ल्ड में एक कोरोना जो महासंकट चल रहा है, तो हो सकता है कि आपके राज्य में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं लॉकडाउन हो, उससे पहले ही आप इस फॉर्म को फिलअप करवा दें, भरवा दें, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो सके, आपका एडमिट कार्ड आ सके। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले इसमें, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। मैंने आज लिया है टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री। तो क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसी की बात कर लेता हूं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी एटम्स या मॉलिक्यूल्स की थ्री डायमेंशनल स्टडी करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो केमिस्ट्री में इस टाइप के स्ट्रक्चर, आप चार टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आप जरूर देखते होंगे, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चन वगैरह में इसके सॉल्व कराऊंगा। और तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की, यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लाइंग वेज, सावर्स, न्यूमैन और फिशर। ये स्ट्रक्चर अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए फ्लाइंग वेज है, ये इस टाइप से है, तो सावर्स सर्विस एक बार उल्टी वाई, एक बार सीधी वाई, ये वाई टाइप की बन रही है, एक बार उल्टी वाई, एक बार सीधी वाई बना दो, सावर्स हो गया। न्यूमैन में क्या है, ये सर्कल वाला, ये भी एक कार्बन, एक पॉइंट से दो कार्बन को एक दूसरे के अपने बैक में रख दिया, न्यूमैन हो गया। फिशर में सीधा सीधा आपको अरेंजमेंट हो जाता है। यहां पर बात ये आती है कि हम इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करें। कई बार दो स्ट्रक्चर कंपेयर करने को दे दिए कि ये स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, इससे पहले ये दो बातें और बताऊंगा। एक चीज होती है कन्फर्मेशन और कॉन्फिगुरेशन का, आपने नाम सुना होगा, आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म है कंफर्मेशन और कॉन्फिगुरेशन। एक कंफर्मेशन होता है, एक होता है कॉन्फिगुरेशन। तो देखो कंफर्मेशन में क्या है, बस एक ही बात याद रखना और कुछ नहीं, शॉर्टकट बिल्कुल शॉर्ट में। कंफर्मेशन में क्या है, जैसे दो का स्ट्रक्चर दे रखे, दो मॉलिक्यूल दे रखे, अगर एक बॉन्ड की पोजीशन फिक्स हो, अदर जो थ्री बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो, इंटरचेंज हो जाए, तो वो होता है आपका कंफर्मेशन। कह सकते हैं कि इफ पोजीशन ऑफ वन बॉन्ड, पोजीशन ऑफ वन बॉन्ड, और कह सकते हैं कि वन एटम, वन बॉन्ड और वन एटम इज फिक्स्ड, अगर एक बॉन्ड या एक एटम की पोजीशन फिक्स है, अदर थ्री एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाए, तो वो कंफर्मेशन होता है। और कॉन्फिगुरेशन में क्या होता है, हम कहेंगे कि इफ पोजीशन ऑफ टू बॉन्ड, पोजीशन ऑफ टू बॉन्ड और एटम्स,
टू बॉन्ड ऑफ या टू एटम्स भी कह सकते हैं, पोजिशन ऑफ टू बॉन्ड्स और टू एटम्स इज फिक्स्ड। अगर टू बॉन्ड की टू बॉन्ड की पोजिशन या फिर टू एटम्स की पोजिशन फिक्स है तो उसको हम कहेंगे कॉन्फिगुरेशन। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा दूं, क्लियर कर दूं कि कन्फर्मेशन क्या होते हैं और कॉन्फिगुरेशन क्या होते हैं। फिलहाल देख लेते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल हमने लिया, ये कार्बन है और यहां से चलिए हमने इस तरह से ले लिया है, ये हमने ए ले लिया है, ये बी और ये हमने सी ले लिया और ये डी। एक ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया है अंडरस्टैंड के लिए, सिर्फ समझ जाइए आप, बाकी तो फिर रियल मॉलिक्यूल लेके प्रैक्टिस कराएंगे। और इसी तरह से हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया, ओके नाउ तो यहां आप देखेंगे पोजीशन ले ली यहां से डी और ये हमने कर दिया इसको बी और ये हमने कर दी सी और ये हमने कर दिया यहां पर ए। तो ध्यान से देखना, यहां पर आप यहां डी की पोजीशन देखो, डी ये क्या है, डी है, डी एज फिक्स है। हमने कहा वन बॉन्ड की पोजीशन अगर फिक्स है तो यहां पर वन बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, डी की केवल पोजीशन फिक्स है। बाकी देखो बॉन्ड की पोजीशन, ए आपका सॉलिड था, ए कहां चला गया आपका प्लेन में आ गया, बी हमारा क्या था डॉटेड था, बी हमारा सॉलिड हो गया, सी कैसा था प्लेन में था, सी हमारा डॉटेड हो गया। तो यहां पर क्या हमने कहा कि एक बॉन्ड की या फिर एक एटम की पोजीशन अगर फिक्स है, अगर थ्री एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि बहुत आधा कन्फर्मेशन क्या होते हैं। और कन्फर्मेशन ऑब्टेंड कैसे होते हैं, कन्फर्मेशन ऑब्टेंड होते हैं किसी मॉलिक्यूल को जब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करते हैं तो वहां से हमें कन्फर्मेशन ऑब्टेंड होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ही कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, कन्फर्मेशन दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं। जब हम इनका आरएस, अगर जो आरएस कॉन्फिगरेशन होता है एक टाइप का, तो आरएस कॉन्फिगरेशन जब निकालते हैं तो दोनों ही सेम आते हैं, या तो आर आएंगे या फिर एस आएंगे। इस स्ट्रक्चर को हमने ये स्ट्रक्चर फर्स्ट मान लिया, ये स्ट्रक्चर सेकंड। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है तो बताएंगे फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन। और कंफर्मेशन इसका मतलब दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो इसका आर एस निकालेंगे सेम आएगा। पहले इसको बताने से पहले मैं इधर देख लूं, अब कॉन्फिगरेशन की मैं बात कर लूं तो कॉन्फिगरेशन में देख लेते हैं डी एंड सी, और ये यहां से हमने ले लिया बी और ये हमने ले लिया यहां से ए। तो इसमें देखो डी हम बात कर लेते हैं, यहां से देखो डी की पोजीशन और सी की पोजीशन फिक्स है, जहां डी था वही डी है, जहां सी था वही सी है। और जब डी की और सी की यानी दो एटम्स की पोजीशन फिक्स है और दो आपस में इंटरचेंज हुए तो हम कहेंगे दे आर द कॉन्फिगरेशन। ठीक, तो इस तरह से कंफर्मेशन और कॉन्फिगरेशन में आपने डिफरेंट समझा होगा डिफरेंस। फिर यहां पर एक चीज और बता दें कि अगर आप इसका आरएस नोमेनक्लेचर करेंगे तो डेफिनेटली जो कॉन्फिगरेशन है उसमें क्या होता है कि अगर दो स्ट्रक्चर हमने मान लिए, इस स्ट्रक्चर को हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, जब हम इसको इसका आर एस कॉन्फिगरेशन निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड का तो दोनों का अलग अलग आएगा, एक का अगर आर आएगा तो दूसरे का एस आएगा।
इसी तरह से इसमें इसमें जब इसका कॉन्फिगरेशन निकालेंगे आरएस नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग तो दोनों का सेम आएगा। नहीं मानते हो तो मैं इसको निकाल के अभी देख लेता हूं, ठीक है, दिखा देते हैं आपको निकाल के इसका क्या आ रहा है। देखो सबसे पहले तो इसको जब आरएस निकालते हैं ना तो इसको आप फेसर में कन्वर्ट कर लिया करो। देखना फेसर में क्या ये वी बन रही है, वी तो V को आप इस तरह से ले लो, जो V बन रही V, C को यहां कर दिया हमने और D को यहां कर दिया। अच्छा इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं कुछ थोड़ा हाइपोथेसिस कर लेता हूं। A B C D है ना, इनके चूंकि कोई ना कोई एटम होगा क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो कुछ ना कुछ मासेस भी तो होंगे और उसी मासेस के अकॉर्डिंग तो हम आरएस नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ तो अपने हाइपोथेटिकल एग्जांपल माना है तो मैं सब मान लेता हूँ, इसका मास 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, मास हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया जस्ट लेट। अब देखो तो ये हमने यहाँ से V, ये यहाँ से V बन रहा है, C इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा। अब ये एबव सॉलिड का मतलब जो सॉलिड से रिप्रेजेंट होता है एबव, तो एबव वाले को एबव कर दीजिए और ये बी बिलो आ रहा बी को बिलो कर दीजिए। इसी तरह इसका बना लो, इसका बनाएंगे तो देखो ये बन रहा है तो यहां से ये बन रहा है, तो इस तरह से देख लेते हैं ये V बन रही है, V तो A यहां बना दिया हमने, D यहां बना दिया, एवो वाले एवो पोजीशन पे क्या आ रहा है B, B एवो पे आ रहा है तो B को एवो कर दीजिए और ये नीचे क्या आ रहा है हमारा बिलो में C, C को बिलो कर दीजिए। अब देखो नंबर एक हमें पता है कि आपको हम पर हमने उसका मास मान लिया है, ठीक कंसिडर कर लिया है, तो हाई प्रायोरिटी देते जिसका मास ज्यादा होता है तो नंबर हमारा इसको हम नंबर 1 देंगे क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो नंबर 1। इसके बाद सेकंड नंबर मास इसका कितना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और ध्यान रखना जो हमारा फोर्थ नंबर का ग्रुप आएगा वो ग्रुप या तो हमारा अप हो या फिर डाउन हो, ठीक है, आरएस नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ये ध्यान रखना कि फोर्थ नंबर में ग्रुप आएगा वो या तो अप हो या फिर डाउन हो। अप या डाउन होगा तो वहां पर क्या होता है डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, फोर्थ नंबर वाला ग्रुप अगर हमारा अप या डाउन है तो उसमें क्या कर देते हैं तो हम फिर उसका रोटेशन करेंगे, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आर आर हो जाएगा कॉन्फिगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एस कॉन्फिगरेशन होता हो जाएगा। इन केस अगर हमारा फोर्थ ग्रुप अप या डाउन नहीं आ रहा लेफ्ट राइट में आ रहा है तो हम उसका रिवर्स कर देंगे। ओके तो यहां से देखो 1 2 3 ये आ गया 1 2 3, तो अब यहां देखो फोर्थ ग्रुप हमारा अप में है तो क्या क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज में क्या हुआ इसका आर कॉन्फिगरेशन हो गया राइट। यहां से देखो इसके बाद अब हमने इसमें बात कर लो तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये 3 और ये हमारा 4। अब कर दो कॉन्फिगरेशन कैसे करेंगे, और फोर्थ ग्रुप हमारा कहां आ रहा है, ये हमारा लेफ्ट राइट में आ रहा है अप डाउन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 तो ये हो गया हमारा 1 2 3 तो कैसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए था हमारा कॉन्फिगरेशन एस, लेकिन फोर्थ ग्रुप ने कहा जो सबसे कम मास वाला ग्रुप होता है वो अगर लेफ्ट राइट में आ रहा है तो हम रिवर्स कर देंगे। तो ये कॉन्फिगरेशन अभी यहां से क्या आ रहा है, यहां से तो आ रहा है हमारा एस, तो एस ना होकर के रिवर्स करना पड़ेगा ये आर, ये भी कॉन्फिगरेशन क्या हो गया आर। तो वही मैंने यहां से बताया था कि अगर हमारे कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन का मतलब आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल है तो उनके हमेशा जो आरएस नॉमेनक्लेचर करेंगे वो होता था सेम, इसमें दोनों के अलग आएंगे डेफिनेटली ये, क्योंकि ये हमारे अभी क्या निकले थे ये हमने कहा था कॉन्फिगरेशन, तो देख लेते हैं कॉन्फिगरेशन है ना। अब चलो इसको भी उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, पहले ये बी बन रही है तो बी को आप इस तरह से ले लो, यहां से ये सी यहां से कर दो ये हमारा डी हो जाएगा और ये एवो है ना ए, ए को एवो कर दो और ये बी बिलो है तो बी को बिलो कर देंगे राइट, और उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग यहां कर देते हैं। तो देखो नंबरिंग हमने यहां से किया 1, ये आएगा नंबर 2 और ये आएगा नंबर 3 और ये आएगा 4, फोर्थ ग्रुप हमारा सही पड़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है। और इसके बाद हम्म,
ये वी बन रही है तो सी यहाँ आ जाएगा, डी हमारा यहाँ आ गया है, और बी एवॉब है तो बी को एवॉब कर दो, और ए ब्लू है तो ए को ब्लू कर दो। अब इनको नंबरिंग दे दो, नंबरिंग दे देंगे तो नंबरिंग में पता है कि हमने अभी वहां डिसाइड कर ही लिया था, वन टू थ्री और ये फोर्थ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्थ ग्रुप हमारा ब्लू आया, फोर्थ ग्रुप आप यहाँ डाउन में आना चाहिए, तो मतलब सीधा सीधा आप लोग कर लेते हैं। अब यहाँ देखो तो वन टू थ्री ये आपका इस तरह से वन टू थ्री कैसे कर रहा है, एंटी नहीं क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन, ओके क्लॉकवाइज आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और यहां से तो देखो वन और टू थ्री कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आर और एस कॉन्फ़िगरेशन भी आप सीख गए इसी लेक्चर में। तो ये क्लियरली हो गया कि आपकी कंफर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है। आप चाहें तो इसका एक वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर ये तो हमने सीधा सीधा ले लिया डायरेक्टली, और प्रॉब्लम आती है कि इसमें पूछा जाता है एक दूसरे में कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम पड़ जाती है, कभी कभी आवश्यकता होती है कि एक दूसरे में कन्वर्ट करके तब आंसर आएगा, तो मैं कन्वर्ट करना भी सिखा देता हूँ। कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर को समझ गए ना, ये जो है इतना क्लियर हो गया कि देखने से पता लग जाएगा कौन सा फ्लाइंग गेज है, कौन सा आर्स है, न्यूमेन है या फिसर है, तो इसी टाइप का बना हुआ मिलेगा। पहले तो यही पहचानना मुश्किल हो जाता कि कौन सा साहस है और कौन सा जो फिसर है, तो ठीक है ये आप लोग आराम से समझ सकते हैं। अब मैं अभी यहाँ पर बात कर लेता हूँ कन्वर्जन की। चलिए ये फिसर, फिसर से हमने कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सॉरी ये फ्लाइंग वेज, फ्लाइंग वेज से फिसर, ये वी बन रही है बी, तो इसको आप बना दीजिए बी को इस तरह से, तो सी को यहाँ कर दीजिए और डी यहाँ पर हो गया, और ए ये सॉलिड का मतलब होता है अबव, ए यहाँ हो गया और बी बिलो हो गया, तो ये हमने क्या किया फ्लाइंग वेज से हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, फिसर में कन्वर्ट कर दिया। अब इधर आ जाओ सा हॉर्स है, ओके तो सा हॉर्स और ह्यूमन आप इनको डायरेक्टली एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट नो प्रॉब्लम। देखो इसको नंबर मान लो वन, तो यहां से रेड से दिखा देता हूं, ये नंबर हमारा वन है और ये नंबर मान लो आप टू, ओके। और जब ह्यूमन में कन्वर्ट करते हैं जो फ्रंट वाला कार्बन होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रंट वाले कार्बन को पॉइंट से, तो हमने मान लिया ये वाला कार्बन हमारा फ्रंट कार्बन है पॉइंट से, और पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सौ हॉर्स को ह्यूमन देखो कैसे, जो ये उल्टी वाई बनी हुई है इसको उल्टा ही बना दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही रखने दीजिए, यहाँ ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, दिस वन इज द सी, ये फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बैक कार्बन को सर्किल से, और बैक कार्बन में ये टू नंबर का बैक कार्बन है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है सी, और यहाँ पर क्या है ये हमारा बी है, और ये नीचे हमारा ए है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से डायरेक्टली हमने सौ हॉर्स को कन्वर्ट कर दिया, किसमें ये कौन सा है ह्यूमन, सौ हॉर्स से ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया ह्यूमन। और आप चाहें तो ह्यूमन से फिर से आप फिसर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या ह्यूमन से आप सौ हॉर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और या फिर ये ध्यान रखना ये सौ हॉर्स है ना, सौ हॉर्स, सौ हॉर्स से अब पहले हमने सौ हॉर्स से किसमें कन्वर्ट किया ह्यूमन में, अब हम सौ हॉर्स से डायरेक्टली अगर फिसर में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसी को इसको डायरेक्टली फिसर में कन्वर्ट करेंगे। तो फिसर में कन्वर्ट करने के लिए देखो पहले तो ये दोनों जो वाई है ना उनको सीधा करना पड़ेगा, उल्टी वाई दिखाई दे रही है, सीधा करने के लिए देखो क्या है तरीका, सीधी सी बात सोचो कि
सीधा करने के लिए ये जो ए है ना, ए अब ए को नीचे लाएंगे तभी सीधा होगा, तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन कर दो, जब रोटेट करेंगे तो रोटेट करते हुए जो बी है वो इधर पहुंच जाएगी, ये सी है वो इधर आ जाएगा, रोटेट करके ये थ्री डी में थोड़ा सा मेजर करो तो रोटेशन ये हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ए नीचे आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और बी पहुंचेगा इधर साइड में और सी यहाँ आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सीधा ही है, तो ये हो गया सी और इस तरह से ये हो गया बी और ये हो गया हमारा ए। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हमने नंबर कार्बन नंबर वन दे दिया और इसको हम नंबर टू दे देंगे, ये हमारा हो गया वन और ये हो गया टू। अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिशर में, है ना, अभी तो इसको कन्वर्ट करने की हमने प्रोसेस बनाई है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, फिशर में ना लाइट खींच लो फिशर के लिए, इसका स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, देखो सीधा भी है वन, वन कार्बन को नीचे ले जाएंगे, वन कार्बन डाउन में जाएगा, टू कार्बन अप में जाएगा, तो वन कार्बन ए यहां पर है, सीधा वाई है बी, राइट हैंड में आ रहा है बी, सी यहां आ रहा है, इसके बाद देखो ऊपर टू नंबर कार्बन में सीधा जा रहा है राइट में, तो सी को यहां ले लो, बी यहां आ रहा है और ये ए, बस इस तरह से बहुत ही आसानी से आप किसी को भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, आप न्यूमेन से इसमें साहस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली देख के ही कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे न्यूमेन है ना, चलो ये न्यूमेन है, इसी को हमें साहस में कन्वर्ट करना है, न्यूमेन को फिर से साहस में कन्वर्ट करना है रिवर्स में, तो क्या किया आपने, ये लाइन खींची यहाँ से और लाइन खींची, हमें पता है साहस के लिए एक बार उल्टी वाई एक बार सीधी वाई, पहले नंबर में उल्टी वाई बनानी पड़ेगी और दूसरे नंबर पर सीधी वाई बनानी पड़ेगी, सीधी वाई बना दी हमने, ठीक है, और बस यही तो बना होता है, इसमें और है क्या, ये तो ए है ना ऊपर, ये ए है और ये यहाँ पर बी है और यहाँ पर ये सी है और इसके बाद जो है नीचे अंदर आ जाओ, ये बी है और ये सी है और ये कहाँ गया नीचे वाला, हाँ ए और ये ए है, तो इस तरह से हम लोग जो है एक दूसरे में आराम से इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ब्रीफ में हमने पूरा फ्लाइंग वेज और जो सावर्स न्यूमेन ऑफिसर बता दिया है, और इसी ये चैनल हमारा जो केमिकल गुरु है इस पर हमने आज से ये क्या नाम सी एस आई या नेट के प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया है, और ये विद इन मैक्सिमम ये हम कह सकते हैं कि ये आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, कितना है आज, अभी आप देख लेंगे कि अप्रैल मार्च को फिनिश हो गया, अप्रैल मई लगभग टू मंथ का टाइम है, तो कंटिन्यू आप बने रहेंगे और डेफिनेटली आपका सी एस आई नेट जे आर एफ या फिर गेट आराम से क्वालिफाइड होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, और इस पर मैं आगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी चीज़ें मतलब शॉर्ट में कैसे रिविजन करें क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं पूरा प्रॉपर करवाऊँगा, और नेट क्वालिफाइड करना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सिंसियरिटी और थोड़ी सी कंटिन्यूटी आपको दिखानी पड़ेगी, आराम से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।